हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कमेटी सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान। आइए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को और आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर एनवायरमेंटल समिट एंड द ट्रीटीज, महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन एवं संधियां। और मैं आप सभी को एश्योर करता हूं कि इस टॉपिक को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वॉच करिए और कोई बुक या कुछ भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक में फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सभी महत्वपूर्ण सेगमेंट को हमने कवर कर लिया है और इसमें पीडीएफ के में भी मेंशन मैंने कर दिया है कि आपको बाइलिंगुअल वाला जो कंटेंट में जो दिक्कत हो रही है, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, सेपरेट में आप इस कन्वेंशन को वहां पीडीएफ में मेंशन कर दिया हूं। तो अकॉर्डिंगली आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली अपना कंटेंट वहां पे अच्छी तरीके से उसे रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, क्यों यहां पे इस टॉपिक में हमको इस बात को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये कन्वेंशन का जो मैंने लाइक पूरा एक कलेक्शन बनाया है, ये किसी भी बुक में इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमने इसे क्या है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके इसके लाइक लेटेस्ट पॉइंट तक हमने सभी महत्वपूर्ण सेगमेंट को ईयर वाइज इसे क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम से पहले एक दो बार उसे रिवाइज कर लीजिए। ये स्टैटिक पार्ट है, मतलब नाउ ऑनवर्ड्स आगे करेंट होगा, लेकिन इससे जो पास्ट वाला जो पार्ट है ये तो स्टैटिक है, बदलेगा नहीं भाई। 1992 में आज सबमिट हुआ था तो हुआ ही है, वो तो कभी चेंज होगा नहीं। तो आप इस लिस्ट को हमेशा संभाल के रखिएगा और इस लिस्ट में केवल हमको रट्टा मारने वाली जरूरत नहीं है, कुछ हमको इसमें समझना भी है कि कैसे आपस में उसका लिंकअप है, कि कौन से कन्वेंशन की उत्पत्ति या ओरिजिन कहां से हुई थी और वो ग्रेजुअली उसका रोड मैप आगे क्या था। ठीक, तो यहां पे जैसे कि हम कुछ एनवायरमेंट समिट देखेंगे, तो जैसे कि हमने नाम सुना होगा ओजोन, हमने नाम सुना होगा बायोडायवर्सिटी, हम नाम सुनते हैं क्लाइमेट चेंज, है ना, हम नाम सुनते हैं लाइक डेजर्टिफिकेशन का, हम सुनते हैं एजेंडा 21 का, हम सुनते हैं फॉरेस्ट प्रिंसिपल का। तो ये जितने भी टाइप के जो है लाइक कन्वेंशन है, इसको हमने डिवाइड करके यहाँ पे हमको पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझिए कि पहली बार वैश्विक स्तर पर ग्लोबल लेवल पे एनवायरमेंट को कंजर्व करने का सबसे पहला प्रयास कब किया गया था, तो उसे वहां से हमारा जो है सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक, तो जब हम बात करते हैं पहला वर्ल्ड लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए हमारा पहला प्रयास हुआ था वो 1972 में, है ना, हुआ था स्टॉकहोम समिट के थ्रू। तो वहीं से हमारा आज का सेशन स्टार्ट होने वाला है। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, हम यहां पे उन सभी महत्वपूर्ण सेगमेंट को कवर करेंगे। तो सबसे पहला समिट क्या हुआ था 1972 में हमारा पहला सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन को हम क्या कहते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या कहते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन या स्टॉकहोम समिट या कन्वेंशन। तो यहां पर इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये सबसे बिगिनिंग पॉइंट है, ये सबसे क्या है, बिगिनिंग पॉइंट है। तो इसे क्या नाम दिया गया था, किस टॉपिक को लेकर था, तो इस टॉपिक को भी समझना जरूरी है। तो इस टॉपिक का नाम था मानव पर्यावरण पर यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस, है ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानव पर्यावरण पर, है ना, ये यूएन, है ना, यूएन सी एच ई लिख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, हिंदी वाले लिखे मानव पर्यावरण पर यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस। तो यहां पे आपको ध्यान देना है ईयर को, हम टाइमलाइन के साथ इसे पढ़ रहे हैं। तो पहला ईयर आपने देखा 1972, तो ये आप इसे इस प्रकार सर्कल कर ले, फिर से नीचे एरो इस प्रकार कर ले। ठीक, अब देखो यहां पे 10 ईयर का खेल है, 10 साल का खेल है। एवरी 10 ईयर में हमको बहुत सारी चीजें यहां पे डेवलप होते दिखेगी। तो आप टाइमलाइन को यहां पे सबसे पहले देखेंगे, इसके 10 साल मतलब 1982 में हो जाएगा। तो यहां पे कौन सा सम्मेलन हुआ था, यहां पे सम्मेलन हुआ था नैरोबी सम्मेलन। ठीक है, नैरोबी सम्मेलन, ये आपका क्या है, ये सेकेंड सम्मेलन है। क्या किया गया था इसमें टॉपिक क्या गया था भाई, फर्स्ट टाइम हमने
मानव पर्यावरण पर यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस किए थे, ह्यूमन एनवायरमेंट पर कॉन्फ्रेंस किए थे, उसको हमने रिव्यू करने के लिए 10 इयर्स में हमने क्या किया है ना, केन्या के नैरोबी सिटी में एक समिट रखा और उसमें हमने रिव्यू किया कि हमने 10 इयर्स में क्या चीजें अचीव की और फ्यूचर का हमारा गोल क्या होना चाहिए समथिंग। तो यहां पे क्या है, सेकंड में क्या लिखेंगे, केवल UNCHE का रिव्यू हमने किया, उसे देखा, हमने ये बस थोड़ा सा एक मूल्यांकन करने के लिए देखा कि क्या हमने हासिल किया। ठीक, ये बातें क्लियर हो गई। अब फिर 10 ईयर का खेल देखो, सब में 10-10 ईयर वाला चलेगा, ये प्लस 10 किए, फिर से यहां पे प्लस 10 करो, तो प्लस 10 करोगे तो यहां पे वो चीजें आती हैं जो अब तक पर्यावरण के सम्मेलन के इतिहास में सबसे बड़ा सम्मेलन था, ये था ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में रियो समिट, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट 1 के नाम से जानते हैं। तो अब यहां पे क्या है, 1992 में हम क्या देखते हैं, हम यहां पे देखते हैं कि पहली बार क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन क्यों कहते हैं, इसे भी हम देखेंगे अभी। तो अर्थ समिट कब हुआ था सबसे पहले, या फर्स्ट अर्थ समिट कहां हुआ था, ये हुआ था रियो डी जेनेरो, ब्राजील की सिटी, इसलिए रियो सम्मेलन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रियो सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 1992 में अर्थ समिट हुआ था। क्या हुआ था इस टॉपिक में, ये अपने आप में बहुत डिटेल है, क्योंकि यहां से कुछ ऐसी चीजों की उत्पत्ति हुई थी, ओरिजिन हुई थी, जो अब तक हम उसे आगे फॉलो कर रहे हैं या उसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो पृथ्वी सम्मेलन था, मानव पर्यावरण सम्मेलन के 20वें वर्ष में हुआ था, और ये कहां हुआ था, रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था, ब्राजील के, और इसमें किया क्या गया था, अब उस पार्ट को देखते हैं। तो यहां पे 1992 तक का टाइमलाइन आप सभी को क्लियर हो गया, तो इस पृथ्वी सम्मेलन में क्या किए थे हमने वो देखते हैं अब यहां पे। तो यहां पे अब क्या हो जाएगा, 1992 का हम यहां पे अब डिटेल देखेंगे, ये क्या है, पृथ्वी सम्मेलन है। तो यहां पे इसे बहुत केयरफुली समझिएगा, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक, और अक्सर हमको ये चीजें क्लियर ना हो तो बाकी चीजें जो है कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। तो पृथ्वी सम्मेलन 1 जो हुआ था कब हुआ था, हमने अभी बताया कि ह्यूमन पर्यावरण मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस के 20वें साल में वर्ष 1992 में हुआ। अब यहां पे इस बात को ध्यान देना है कि ये 20वें साल में हम इसे क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस के तौर पे आयोजित कर रहे हैं, बहुत बड़ा सम्मेलन के तौर पे आयोजित कर रहे हैं रियो सिटी में, जो ब्राजील में है। तो यहां पे हम करते हैं UNCED, वहां पे क्या लिखे थे 1972 में, UNCHE, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट था। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, एग्जैक्टली आप यही लिखिए, ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, और हिंदी मीडियम वाले लिखिए पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र का कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन। ठीक, तो यहां पे इस बात को क्लियर हुआ, इतना दूर तो क्लियर हो ही गया होगा। अब देखिए, इस जो सम्मेलन में एक सबसे खास बात थी कि ये आयोजित किस लिए हुआ था, ये आयोजित इसलिए हुआ था, इसे इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया था, बिकॉज हम ग्लोबल लेवल पे क्या देखते हैं, सभी डेवलपमेंटल जो है प्रोग्राम चल रहे थे, डेवलपमेंट मतलब जो आप देखते हैं कि इन जनरली जो पूरे ग्लोबल लेवल पे सभी अपनी इन्वायरमेंट को ध्यान में न रखते हुए सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, अपने कंट्री के जो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, और इन्वायरमेंटल आस्पेक्ट को सब क्या कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस में, पृथ्वी समिट 1 में, हमने देखा कि यहां पर 3 महत्वपूर्ण बातों को खासकर ध्यान दिया गया। पहला है क्लाइमेट, दूसरा है बायोडायवर्सिटी, ठीक है, और तीसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संपोषणी विकास। इन जनरली 6 और टोटल 6 दस्तावेज रिलीज किए गए थे, वो सब भी हम देखेंगे, लेकिन याद करें रखें कि ग्लोबल वार्मिंग पे हमारा फोकस था, बायोडायवर्सिटी पे हमारा फोकस था,
हमारा जो फोकस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में से एजेंडा 21 के नाम से अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो ये सब इसमें क्या था, इसे इसका मुख्य लक्ष्य में से एक था, ठीक है। और जो मुख्य लक्ष्य के साथ हम क्या देखते हैं, इसमें क्या है, 6 प्रमुख दस्तावेज रिलीज किए जाते हैं। देर वेर 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वर रिलीज ड्यूरिंग 1992 फर्स्ट अर्थ समिट। तो इस अर्थ समिट में इस बात को ध्यान रखना है कि जो 6 महत्वपूर्ण दस्तावेज रिलीज हुए हैं वो दस्तावेज कौन कौन से हैं। और पैरेलली हमको यहां पे नोट करना होगा, 3 सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई, 3 विभिन्न प्रकार के नए प्रकार के सम्मेलन की शुरुआत हुई। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, मतलब कितने टोटल निकल गए यहां पे, 6 दस्तावेज निकाल लो और उसके बाद 3 ब्रांचेस निकलेगा वहां से, और 3 ब्रांचेस जो है उसी को हम आगे अभी क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से उसे आगे हम पढ़ाते हैं। तो इसे देखिए, नोट करिए, सिमिलरली ऐसे ही नोट करिएगा आप, ठीक। तो यहां पे क्या है, सबसे पहले नोट करिएगा 6 दस्तावेज यहां पे नोट करिए, 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो पहला क्या हो जाएगा, यहां पे लिखिएगा, पहला हो जाएगा यहां पे, हम इसे लिखते हैं सिमिलरली, ये है एजेंडा 21, ठीक। एजेंडा 21 ये पहला दस्तावेज था जो किसको लेकर था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर था, संपोषणीय विकास। क्लियर हुआ? तो आप अपने नोटबुक में ऐसे ही ब्रांच बनाते चलिएगा, आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। दूसरा है यहां पे देखते हैं फॉरेस्ट प्रिंसिपल, वन सिद्धांत, ठीक। यहां पे दूसरा क्या है आपका आ जाएगा, फॉरेस्ट प्रिंसिपल या वन सिद्धांत। तीसरा क्या हो जाएगा, हम उसे कहते हैं UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है। मतलब फ्रेमिंग की गई व्यवस्थित तरीके से, इसे आगे हम आपको बढ़ाना था, ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं और क्या नाम से जानते हैं, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जो हर साल होते हैं ना, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के नाम से जानते हैं हम। तो ये क्या है, UNFCCC का ही है। इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है, ये दस्तावेज जो है यहीं से हो रहा है। अब यहां पे आता है, एक होता है CBOD, कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता पर सम्मेलन। क्लियर हुआ? तो ये है आपका जैव विविधता पर सम्मेलन, ये नोट कर लीजिए। अब उसके बाद आता है UNCCD, ठीक है। UNCCD का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। ये बातें देख लीजिए, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है क्या, है ना। हम 6 दस्तावेज की बात कर रहे थे, 5 हमने यहां पे नोट कर लिया है, तो लास्ट क्या होगा इसे देखिए। लेकिन आप इस चीज को समझना है हमको कि ये इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है, 1992 से हो रही है। ये बातें क्लियर हुआ? अभी इसको हम और डिटेल में देखेंगे कि ये किस टॉपिक को लेकर था क्या और इसकी खास बातें, बट यहां पे इतना भी जानेंगे तो यही से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, ठीक। तो ये 5 आप अच्छी तरीके से देख लिए, कहीं कोई कंफ्यूजन है क्या। इसके बाद हम इसका 6वें पार्ट को देखते हैं। तो 6वां पार्ट जो है वो क्या है, कहां ये सम्मेलन कहां हुआ था, ये हुआ था रियो डी जेनेरो में। तो यहां पे हुआ था रियो डिक्लेरेशन या रियो घोषणा पत्र, ये था हमारा अगला जो दस्तावेज, प्लीज इसे इस प्रकार लिख ले, ठीक है, रियो घोषणा पत्र। ये बातें सभी को क्लियर हो गई, ये 6। अब इसमें वो 3 सिस्टर कन्वेंशन कौन कौन से हैं, तो आप अगर पहचान पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं आपको यहां बता देता हूं। ये जो 6 दस्तावेज हैं, इनमें से 3 जो है क्या करते हैं, अपना फिर से सम्मेलन का ब्रांचेस निकालते हैं। तो ये कौन कौन सा है, ये है फर्स्ट UNFCCC का, जिसे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के नाम से जानते हैं।
ये पहला सिस्टर कन्वेंशन हो जाता है। दूसरा कन्वेंशन ये होता है, हमने अक्सर सुनते होंगे वहां जैव विविधता सम्मेलन हुआ किसी एक्स सिटी में, फिर वाई सिटी में होता हम सुनते हैं कि फिर से जैव विविधता सम्मेलन हुआ, हुआ कब कहां किस वर्ष हुआ उसे अभी लिस्ट में देखने वाले। लेकिन ये सेकंड हमारा क्या था, सिस्टर कन्वेंशन था। सिस्टर कन्वेंशन मतलब अब यहां पे जैसे पृथ्वी सम्मेलन है वैसे इनके भी सम्मेलन सेपरेट रूप से अब चलना प्रारंभ होगा, ठीक। और तीसरा हम देखते हैं मरुस्थलीकरण को लेकर जो है हम क्या देखते हैं, सिस्टर कन्वेंशन की इस प्रकार की यहां पे ये तीसरा इसकी उत्पत्ति हुई। तो याद रखिएगा 6 दस्तावेज और 3 सिस्टर कन्वेंशन। तो यहां पे आपको ये बातें क्लियर हो गई, ये चीजें सभी को क्लियर हो गई क्या। अब यहां पे देखो, अगर हम यहां पे देखते हैं तो इनके फिर से ब्रांचेस बनना प्रारंभ होगा, उस ब्रांच को अभी देखेंगे। ये 6 दस्तावेज आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, उसके बाद देखेंगे कि यहां पे आप देखते हैं कि सीबीडी के फिर ब्रांच निकलेगा, इसका फिर से ब्रांच निकलेगा। तो ये ब्रांच को अभी हम स्लाइड वाइज देखेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मैं ब्रांच यहां से बोलूंगा तो दिमाग रिकॉल होना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति यहां से हुई और ये इसका ब्रांच है, तो आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, ठीक। तो ये बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़े हम। तो अब हम यहां पे जो हमने लिखा है इसको आप इस प्रकार पीपीटी के मोड पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका वो इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे पहले इसे देख लेते हैं, ठीक, फिर उसको देखेंगे। ये विजिबल है कि आप सभी को देखो, कहीं पे कुछ लाइक दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो विजिबल है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो पृथ्वी सम्मेलन के द्वारा जो दस्तावेज है जिसको मैंने नोट कराया वो एग्जैक्टली वही चीज है, इसको हमने ऑलरेडी अभी कवर कर दिया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, ताकि पीडीएफ में आपको इसे व्यवस्थित तरीके से नोट कर पाए, क्लियर हो गया। तो ये है आपका पार्ट। अब जो पृथ्वी सम्मेलन वन है तो वो 10 ईयर वाला स्टोरी फिर से कंटिन्यू करते हैं। हम कहां तक पहुंचे थे भाई, हम कहां तक पहुंचे थे, वहां से स्टोरी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसे देखिए, यहां से पिछले वाले स्लाइड में हम इसे ले जाते हैं, तो ये देखिए अब ये वाला पार्ट हम स्टार्ट कहां से किए थे, 1972, इसका 10 साल बाद 1982, इसके 10 साल बाद हम क्या देखे थे 1992, और इसे हम क्या कहे थे, पृथ्वी सम्मेलन, इसे वन कहेंगे, कहेंगे कि नहीं, फर्स्ट टाइम हुआ था। तो इसे हम क्या कहे थे, नैरोबी सम्मेलन, इसे हम क्या कहे थे, स्टॉकहोम सम्मेलन। तो अब इसके बाद, इसके 10 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, वर्ष 2002, 1992 से में 10 ईयर्स ऐड कर देंगे तो क्या 2002 हो गया। तो ये पृथ्वी समय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके 10 ईयर्स जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा, 2012 क्या हो जाएगा, पृथ्वी सम्मेलन 3 हो जाएगा। ये बातें क्लियर हुई, तो हमको कंफ्यूजन नहीं रखना है, बहुत सिंपल सा। देखो आप 5 सम्मेलन तो आप ऐसे चुटकियों में याद कर लिए, क्यों, क्योंकि हमको ये पता है कि एवरी 10 ईयर्स में ये जो है चीजें आगे बढ़ रही, ठीक, इसमें किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन। अब यहां पे पूछा क्या गया है, आपको एग्जाम में अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखें, चाहे सिविल सर्विस एग्जाम्स हो, व्यापम हो या दूसरे कोई एग्जाम हो, आपको पूछा जाता है कि पृथ्वी सम्मेलन 1 कहां हुआ था, 2 कहां हुआ था, है ना, या फिर स्टॉकहोम सम्मेलन जो है किस टॉपिक को लेकर हुआ था, कहां हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक। तो अब यहां पे देख लीजिए, पहला रियो समिट जो है, पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट जो है ना, यहां पे क्या हुआ था, ये रियो सिटी में हुआ था। दूसरा कहां हुआ था, अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन 2 जो अर्थ समिट जो 2 है वो कहां ऑर्गेनाइज हुआ था, जोहान्सबर्ग, दैट इज सिचुएटेड इन साउथ अफ्रीका। एंड थर्ड जो है वो फिर से रियो में हुआ था। तो 1 और 3 क्या है, रियो समिट है, मतलब 1 और 3 पृथ्वी सम्मेलन का फर्स्ट एंड 3 क्या है, वो दोनों का लोकेशन क्या है, मतलब जहां पे हुआ था, आयोजित हुआ था, वो सिटी का नाम है रियो डी जेनेरो। तो फर्स्ट एंड 3 को आप ऐसे ही याद रख लें, बीच में जो है आप जोहान्सबर्ग को फिल कर लें। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया, क्लियर हो गया है सभी चीजें। अब यहां पे इस बात को ध्यान रखना है कि इसमें कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए थे, वो इनिशिएटिव्स को थोड़ा सा आप नोट कर लो, एडिशनली आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। तो इनिशिएटिव में देखिए यहां पे कि पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट में जब देखते हैं, जो रियो सिटी में हुआ था, वहां पे क्या था, जो फर्स्ट जो है 6 डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए थे, ये तो आपने नोट कर ही लिया है,
ठीक है। तो ये पहला इसका एजेंडा था, मतलब ये इसके प्रमुख विषय थे, 6 दस्तावेज और 3 सिस्टर कन्वेंशन जिसको अभी जस्ट हमने पढ़ा। अब सेकंड में क्या हुआ था, सेकंड अर्थ समिट 2 में देखते ही वो क्या, इसे देखते ही कि 2002 में हुआ था। इसमें क्या था, पहली बार देखते हैं सतत विकास पर सम्मेलन हुआ था। यहां पे पहले में क्या है, एजेंडा 21 बना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कार्य योजना थी, बट यहां पे सम्मेलन हुआ। ठीक है, कब इसे शामिल कब किया गया, पृथ्वी सम्मेलन 2 में सतत विकास सम्मेलन को इसमें शामिल किया गया। और हम एजेंडा 21 जिसका बेस क्या है, एजेंडा 21 इज रिलेटेड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब दोनों एक दूसरे का ही पार्ट है। जब भी आपको एजेंडा 21 दिखे, आंख मूंद के आपको आंसर क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास या संपोषणीय विकास। ठीक, अब यहां पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल डिसाइड किए गए थे, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, फर्स्ट टाइम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब बनाए गए थे, है ना, इन विच ईयर इट वॉज फॉर्म ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो ये क्या हुआ हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 2002। ठीक, अब यहां पे देखो पृथ्वी सम्मेलन 3 अर्थ समिट 3 2002 अगेन रियो सिटी। तो यहां पे देखो फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट नाम से क्या है वहां पे विषय, वहां पे क्या है उस पर क्या हुआ, डिस्कशन हुआ था। तो इसमें जो है 6 अलग अलग टॉपिक थे, ये आपको पूछेगा नहीं बट याद रख लें अगर आप एडिशनल पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आपको देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, है ना, और ऐसे सस्टेनेबल वाले सिटीज, फूड सिक्योरिटी, वाटर, ओशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर बात की गई थी। ठीक, तो ये क्या है आपका थर्ड पृथ्वी सम्मेलन का पार्ट है। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना है, इसे घुमा के कई बार क्या पूछता है, पृथ्वी सम्मेलन 1, 2, 3 तो आप जान गए, कब हुआ था ये भी जान गए, कहां हुआ था ये भी जान गए। अगर आपको पूछ देता है, यहां पे देखते हैं रियो 1 समिट, रियो प्लस 10 समिट और रियो प्लस 20 समिट, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। रियो फर्स्ट समिट मींस रियो में पहला अर्थ समिट हुआ था, रियो प्लस 10 का मतलब रियो समिट के 10 इयर्स के बाद जो समिट हुआ था, दैट वी कॉल्ड इट इज अ रियो प्लस 10 समिट। तो पृथ्वी 2 और रियो प्लस 10 समिट वो कुछ अलग नहीं है, वो एक ही चीज है। क्लियर हो गया, तो यहां पे इस बात को ध्यान देना है। तो ये रियो प्लस 10 समिट जो है आप आसानी से समझ जाएंगे। अब रियो समिट के 20 इयर्स में जो हुआ था उसे रियो प्लस 20 समिट कहते हैं, और उसे और किस नाम से जाना जाता है, पृथ्वी सम्मेलन 3 के नाम से जाना जाता है। तो ये बातें क्लियर हो गई, रियो 1 और रियो प्लस 10, रियो प्लस 20 का मतलब क्या है, वो अर्थ समिट को लेकर ही है जो उसके फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को रिप्रेजेंट करता है। आई होप ये बातें सभी को क्लियर हो गई, अच्छे से देख लीजिए भाई, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जल्दी से अगर आप इसे देख लिए तो हम वो जो ब्रांचेस निकला था उस ब्रांचेस को हम लेके आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक, सभी को क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो हमने क्या क्या 3 सिस्टर कन्वेंशन बनाए थे वहां पे, पहला था UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ये पहला ब्रांच था, UNFCCC नाम से याद रखो, ज्यादा आसान है। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा था, CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक, ये दूसरा हमने देखा था। अब तीसरा क्या हमने देखा है, UNCCD यूनाइटेड नेशन टू कम्बैट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू कम्बैट अ डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, है ना, ये हमारा जो है 3 सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई थी। तो उनके ब्रांचेस कैसे निकलेंगे, देखो यहां पे, है ना, तो यहां पे देखो इनके ब्रांचेस अगर देखें तो बहुत सिंपल है। हम पहला ऊपर वाले को देखते हैं, सीबीडी को देखिए यहां पे, इस सीबीडी में हमको 3 बातें दिखाई, 2 बातें दिखाई दे रही हैं, पहला है, सॉरी 3 बातें, ये है पहला आईची लक्ष्य, पहला क्या है आईची लक्ष्य, दूसरा है कार्टाजीना प्रोटोकॉल और तीसरा है नागोया प्रोटोकॉल। तो यहां पे इस 3 को देखिए, ये से स्टार कर लीजिए भाई, यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक बार नहीं कईयों बार क्वेश्चंस पूछे गए। नागोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विथ,
है ना, ये पूछा गया है आपको आईची लक्ष्य या आईची टारगेट इज रिलेटेड विथ, या आपको सीधा पूछा जाएगा कार्टाजिना प्रोटोकॉल स्टैंड फॉर, या वो उसका मतलब क्या है। तो सिंपल सा लॉजिक लगाइएगा, तीनों का जो ओरिजिन पॉइंट है वो क्या है, बायोडायवर्सिटी। अब बायोडायवर्सिटी तो हमने प्रीवियस सेशन ही कवर किया था, हमने उसमें एक चीज तो नोटिस किया ही था कि बायोडायवर्सिटी में सिर्फ बायोटिक फैक्टर को काउंट किया जाता है, मतलब ऐसे जैविक पदार्थों को काउंट किया जाता है तो बायोटिक फैक्टर से होना चाहिए, तो देखते हैं है कि नहीं। तो पहला देखो यहां पे आईची टारगेट, आईची कुछ नहीं है, जापान का एक सिटी का नाम आईची है, तो वहां पे जो टारगेट सेट किए गए थे बायोडायवर्सिटी को लेकर उसे हम आईची टारगेट्स कहते हैं। जैसे इंडिया जो है, इंडिया का जो आईची टारगेट्स है ना, दो लेवल पे है, एक ग्लोबल लेवल पे इंडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, और एक भारत अपनी इनसाइड यानी कि भारत के अंदर अपने जो टारगेट्स है वो, उसको लेकर जो प्रयास कर रहा है बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए, जैव विविधता कंजर्वेशन के लिए। तो भारत को जो लक्ष्य मिला है वो उसमें काफी ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक संतोषजनक स्थिति में भारत है, मतलब भारत अपने आईची लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर आगे बढ़ रहा है। तो आपको याद करिए मैंने बताया था अराउंड जो हमने प्रोटेक्टेड एरिया पढ़ा था लास्ट बायोडायवर्सिटी टॉपिक में, है ना, तो उसमें बायोडायवर्सिटी टॉपिक में हमने क्या देखा था कि नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड दैट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब पढ़े थे। तो उन सब को मिला देते हैं तो एक कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अराउंड 5.93 समथिंग परसेंट जो है, 5.53 समथिंग है, उतना परसेंट जो है पार्ट इंडिया का क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया है। हमने देखा था, याद आ रहा है कि नहीं, हम जितने भी नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, है ना, कम्युनिटी रिजर्व को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद एक हमको नीचे में एक लाइन मिल रही थी कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5.something% प्रोटेक्टेड है ना। आप वो डेटा नोट कर लीजिएगा, 5.53 या समथिंग जो डेटा है, तो वो जो है 5.53 समथिंग परसेंट, वो कितना होना चाहिए आईची टारगेट के हिसाब से, 17% होना चाहिए। अब वो 17% कौन से होने चाहिए, प्रोटेक्टेड एरिया होने चाहिए, बट हम अपने टारगेट से पीछे हैं, मतलब 17 तक जाना है और हमारी जर्नी 5 और 6 के बीच में है। तो इस बात को समझ पा रहे हैं, ये है वो आईची टारगेट जो बायोडायवर्सिटी लक्ष्य को पाने के लिए डिसाइड किया गया था, जिसकी ओरिजिन कहां है, सीबीडी से। और सीबीडी कब हुआ था, ठीक है, यह कहां से हुआ था, ये अर्थ समिट से स्टार्ट हुआ था। ये बातें आप सभी को क्लियर हुई क्या, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है हो रहा है, कुछ नहीं, हमको आईची टारगेट हासिल करना है, जो 17% हमारा लक्ष्य है वो हम 5 और 6 के बीच में अभी अटके हुए हैं, मतलब हम अपने लक्ष्य से पीछे हैं, कुछ और काम है उसमें हमने अच्छा इनिशिएटिव लिया इसलिए हमारा प्रदर्शन क्या है, संतोषजनक है, ठीक। तो यहां पे ये पहला नोट कर लिए। दूसरा देखिए, कार्टाजिना प्रोटोकॉल कब हुआ था, विलेस में देखेंगे, लेकिन यहां पे इसकी ओरिजिन किससे हुई थी, इसी से हुई थी, ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा हो गया। तो सीबीडी से क्या है, कार्टाजिना प्रोटोकॉल जो बायो सेफ्टी से रिलेटेड है, जैव सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है, जैव सुरक्षा से संबंधित, बायो सेफ्टी से रिलेटेड है ना, या बायो सिक्योरिटी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए सीबीडी का थर्ड जो ब्रांच बना था वो है नागोया प्रोटोकॉल, जो आनुवांशिक स्रोतों का, जेनेटिक सोर्सेस का मिसयूज ना हो, इसको लेकर एक नियम बनाए गए थे, प्रोटोकॉल डिसाइड किया गया था, दैट वी कॉल अ कार्टाजिना नागोया प्रोटोकॉल। तो नागोया प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, ये है आनुवांशिक स्रोतों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जो प्रोटोकॉल बनाए गए थे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, नागोया प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। आनुवांशिक स्रोत का मतलब क्या है, आनुवांशिक स्रोत का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे आप देखते हैं अभी जैसे कोविड पीरियड चल रहा था, ठीक है, हम ये जो क्या करते हैं, हम यहाँ पे आरोप लगाते हैं चाइना पे कि वो जो है लाइक वायरस को लैब में उसने बनाया है, उसमें म्यूटेशन किया है और उसके बाद उसको ग्लोबल लेवल पे फैलने दिया है। तो वो जो क्या है, वो वायरस जो है कोविड-19 जो वायरस है उसका, उसके जेनेटिक सोर्स जो था उसका मिसयूज किया है। तो नागोया प्रोटोकॉल का भी वायलेशन है हम कह सकते हैं, अगर वो कल्प्रिट है तो, वो उसने ऐसा किया है तो। वैसे और भी इसमें बहुत सारी चीजों का वायलेशन होता है, वो अभी लिस्ट में हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि किसी भी लाइक जेनेटिक सोर्सेस का मिसयूज रोकना है, ठीक, ये बात क्लियर हो गई आप सभी को।
अब ये बातें क्लियर हो गई, तो अब मैं इसे मिटा रहा हूं। पहला सीबीडी से तीन ब्रांचेस समझ गए। आप चाहो तो अपने नोटबुक में दूसरे तरीके से इस प्रकार एरो एरो करके निकाल लो, पहला अर्थ समिट, फिर उसके बाद ब्रांचेस, तीन सिस्टर कन्वेंशन, उनसे फिर निकलने वाले ब्रांचेस, ठीक है, लाइक इस प्रकार। ये है ना, क्योंकि ये चीजें अभी तो नहीं, लेकिन जब रिवाइज करेंगे तब बहुत काम आता है। ऐसा किए, इससे तीन चीजें निकली, ठीक, पहला सीबीडी, यूएनएफसीसी और तीसरा यूएनसीसीडी। तो यूएनसीसीडी तो उसी नाम से चलता है, तो ये बचा दो। तो इसका फिर हमने देखा कि यहाँ पे फिर से क्या हो गया, तीन हो गए, ठीक। इसका फिर देख रहे हैं यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे इस प्रकार निकलेगा। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो यूएनएफसीसी का जो समिट हुआ था, यूएनएफसीसी का जो समिट हुआ था, यहाँ पे देख रहे हैं इससे क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल निकला, और दूसरा है कोपेनहेगन निकला। कोपेनहेगन से हमको रिजल्ट उतना नहीं मिला। यूएसए के सिटी कोपेनहेगन में एक ऐसा सम्मेलन हुआ था जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित ही था। उसमें यह था कि विकसित देशों को उनके कार्बन उत्सर्जन को रोकना था, बट वो एग्री नहीं हुए। तो कुल मिला के एक संतोषजनक परिणाम नहीं मिला। इसलिए कोपेनहेगन कब हुआ था बस पूछ देता है, 2009 में, और उसके बाद उससे रिलेटेड ज्यादा कभी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। किससे संबंधित है पूछा जाएगा, तो जलवायु परिवर्तन संबंधित है, ठीक। लेकिन यहां से एक ब्रांच निकलता है क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी जापान का सिटी है क्योटो। तो क्योटो प्रोटोकॉल का मतलब भी क्या है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किस विषय को लेकर है अभी हम देखने वाले हैं, ठीक। तो यहां पे इसके ब्रांचेस समझ गए, इसके ब्रांचेस समझ गए कि क्या क्या है, कि ये जो है आपका कोपेनहेगन समिट और क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक। अब यहां पे हमने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा कि एजेंडा 21 का जो है, एजेंडा 21 इनिशिएट कब हुआ था, तो पृथ्वी समिट 1, बट उसका जो आप देख रहे हैं कि उसका जो क्रियान्वयन किया गया था, फंक्शनल कब हुआ, तो रियो समिट 2, और उसे आगे बढ़ाया कब गया, तो रियो समिट 3, तो रियो प्लस 20। तो एक ही क्वेश्चन जो है तीन तरीके से पूछा जा सकता है, स्टार्ट कब हुआ, फंक्शनल कब हुआ, आगे कब बढ़ाया गया, ठीक। तो आपको मैं पहले से ही क्लियर कर रखा हूं कि आप इस टॉपिक में हर पहलू को समझते चलिए, और शुरू से लेकर लास्ट तक जब आप वॉच करेंगे, इतना प्यारा सा नोट्स आपके पास बन चुका रहेगा, इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो चुकी रहेगी। तो आप बुक पढ़ेंगे तुरंत आपको रिकॉल करेगा कि हाँ, इसका संबंध उससे था, और समथिंग यहां से ये क्वेश्चंस के आंसर ये होने चाहिए, ठीक। तो आपको यहां पे डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव में भी उतर आइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको इससे रिलेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर कहने का मतलब भाई 99% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है। कई बार कुछ क्वेश्चन आड़े टेढ़े होते हैं, तो वो थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे प्रैक्टिस में, तो आपका ये टॉपिक 100% कवर हो जाएगा, ठीक। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। ऑल्दो मैं इस बात को बहुत लाइक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी सीजीपीएससी सीजीव्यापम की जो लाइक क्वेश्चन पेपर है, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद 100% सॉल्व हो जाएंगे, है ना। वो अलग बात है, आप यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आपको लॉजिक भी लगाना पड़ सकता है, लेकिन उसके भी मैक्सिमम नंबर आप क्वेश्चन बन जाएंगे, आई गारंटी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब ये बातें क्लियर हो गई सभी को, अब हम उस टेबल की ओर आगे बढ़े जहां पे हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेना है कि 1972 से लेकर अभी वर्ष 2021 के एंडिंग में हम खड़े हैं, 2022 मतलब आने वाला है, तो अभी दिसंबर 2021 की स्थिति में हम देख रहे हैं कि जितने भी समिट हुए थे और कुछ जो अपकमिंग है, जो आने वाले वर्षों में जो होने वाले, उन सभी को एक ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे हम इसे नोट करेंगे। क्लियर हुआ, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छी तरीके से आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, थोड़ा लंबा जाएगा ये, ठीक है, अगले 10 से 15 मिनट, तो आप इस बात को केयरफुली वॉच करना है, ठीक। तो ये है वो इंपॉर्टेंट लिस्ट, आप बिल्कुल घबराइए मत इस लिस्ट को देखकर। हिंदी वाले हिंदी मीडियम में, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में, दोनों का मैं लाइक यहां इसमें कंटेंट पीडीएफ में ऐड करवा दिया हूं। अकॉर्डिंगली आपको ये पूरा व्यवस्थित दिखेगा। अगर आपको ये थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा है, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा एनहेंस कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, ताकि ये चीजें विजिबल हो सके, और ये आपको ऑलरेडी रेडीमेड फॉर्म में पीडीएफ में मेंशन मिलेगा। आप बिल्कुल घबराइए मत, बस सुनते चलिए, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो जर्नी था कहां था, 1992। तो 1992 में जब देखते हैं तो ये वहां यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो आप सोच रहे हैं ऊपर की चीजें क्या है, तो ऊपर की चीजों को भी जानना जरूरी है। ये तो हमने यहां से आगे ये कवर कर रखा है, ठीक,
क्योंकि यहां पे पहला यूनाइटेड नेशन का एक बड़े लेवल पे ग्लोबल लेवल पे पहला ऐसा जो है एफर्ट या प्रयास किया गया, तो हमने सबसे पहले इसलिए यहां से स्टार्ट किया था। तो ये था आपका रियो समिट वन या पृथ्वी सम्मेलन वन। लेकिन जब हम इसको देखते हैं, इसे देखते हैं, तो यहां पे ऊपर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जेनेवा प्रोटोकॉल का नाम आप सुनते होंगे, या आप नाम सुनते होंगे फॉरेस्ट पॉलिसी कब बनी थी, ठीक है ना, 1952 में जैसे बनी थी। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो वेटलैंड सम्मेलन हुआ था 1971 में, रामसर समिट हुआ था। तो कुल मिला के ऊपर जितने भी अभी सम्मेलन होने वाले हैं, चूंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट होता है, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में, जो आपके सिविल सर्विस के एग्जाम्स हैं अलग अलग राज्यों के, या फिर हम देखते हैं कि जो व्यापम में या यूपीएससी में जो पूछे गए, उन सभी को हमने यहाँ पे कंपाइल कर लिया है, ठीक है। तो इसे जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनका सभी का संबंध अल्टीमेटली पर्यावरण से ही है, क्योंकि वो पर्यावरण के किसी न किसी आस्पेक्ट से रिलेटेड है। जैसे नम भूमि वेटलैंड तो पर्यावरण का ही पार्ट है। जैसे आप देखते हैं कि जहरीली गैसों का जो या हानिकारक पदार्थों की यूज को रोकने का जो समिट हुआ था, जो संधि बनी थी, ट्रेडी हुई थी, वो भी क्या इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, उसी फैक्टर से रिलेटेड ही है, इसलिए इसे हमने इसे कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो जेनेवा प्रोटोकॉल 1925, मैं इसमें स्टार्ट करते चलूंगा, आप केयरफुली उसे नोट करते चले, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जेनेवा प्रोटोकॉल स्टार है ना, पहला स्टार है। इसमें क्या हुआ था, जो जहरीली एवं जो हानिकारक गैसों का युद्ध में प्रयोग रोकना है, और रासायनिक और जैविक हथियारों पर प्रतिबंध हेतु संधि। तो यहाँ पे जो है बायोलॉजिकल वेपन का यूज रोकने के लिए कौन सी संधि प्रयोग की जाती है, तो जेनेवा संधि के तहत हम जो है बायोलॉजिकल वेपन का हम प्रयोग नहीं कर सकते, हम उसके मतलब वो निषेध है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन किस संधि से, किस ट्रीटी से रेस्ट्रिक्ट किया गया है, प्रोहिबिटेड है, इट इज फ्रॉम अ जेनेवा ट्रीटी, ठीक है। जेनेवा ट्रीटी के थ्रू हम इसे क्या करते हैं, इसे हम रोकते हैं। और उसके बाद देखते हैं ये 1972 जो स्टार्ट हुआ था, जहां से हम सीधा यहां पे जोड़े थे, ठीक है, तो ये वही पॉइंट है। अब यहां पे क्या देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं तीसरा 1973 में सीटेस संकटग्रस्त जीवों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर रोक हेतु एक क्या है सम्मेलन हुआ था। तो आपको सीटेस सम्मेलन कब हुआ था पूछता है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है सीटेस का फुल फॉर्म, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आप बहुत आसान, ये आपका टास्क होना भी चाहिए, थोड़ा अलर्ट रहे। CITES का फुल फॉर्म आप लिख के जल्दी बताइए, ठीक। तो इसमें क्या था, इसमें ये था कि जब हम क्या देखते हैं कि कोई भी ऐसा वन्य जीव है या वनस्पति है, हम उसका इंटरनेशनल ट्रेड को जो रोकना है, इंटरनेशनल ट्रेड अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अक्सर आप देखते होंगे एयरपोर्ट में आप लाइक इतने महंगे टाइप के जो स्पीसीज हैं उनके छाल बरामद हुआ, या उससे मेडिसिन के लिए जो है जैसे कि बहुत सारे ऐसे दुर्लभ टाइप के एनिमल स्पीसीज या प्लांट स्पीसीज का क्या करते हैं, उसे वो छुपा के ले जा रहे होते हैं। तो वो जो इंटरनेशनल ट्रेड है, क्योंकि ये मेडिसिन वगैरह बनती है, रिसर्च में काम आता है, तो उसके इंटरनेशनल ट्रेड को हमको रोकना है। तो ये सम्मेलन का किससे संबंधित है, आप देखते हैं सिटीज सम्मेलन या वॉशिंगटन समिट या ये IUCN का समिट कहते हैं, ये 1973 में हुआ था, ठीक है। तो ये भी इसे स्टार कर ले। अब देखो रामसर समिट जो हुआ था 1971 में, क्या हुआ था, नम भूमि संरक्षण वेटलैंड कंजर्वेशन को लेकर था। वेटलैंड कंजर्वेशन जो है एक्चुअल में इस पारिस्थितिक तंत्र के इकोसिस्टम के वो क्षेत्र होते हैं जहां पे डाइवर्सिटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है, मैंने बताया था कि ऐसा जो है दलदली भूमि या वेटलैंड या झील या पानी वाला क्षेत्र जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक ना हो, वो क्षेत्र सब क्या है रामसर समिट के थ्रू वेटलैंड कहे जाते हैं। तो इसमें क्या है, ज्यादा गहरा भी नहीं है और ज्यादा उथला भी नहीं है, कह सकते हैं क्या है कि वहां पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम का मिलन स्थल है। मतलब क्या हो रहा है, ये इकोटोन वाला क्षेत्र बन सकता है, संक्रमिका वाला क्षेत्र बन सकता है। याद आ रहा है कि जब स्थली पाशिक तंत्र और जली पाशिक तंत्र किसी जगह मिलते हैं, तो वहां पे स्थली वाले के जितने जो ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पीसीज हैं, और जो जली वाले के जितने हैं, दोनों को अगर आप जोड़ दें
तो जो दोनों का जॉइंट वाला पार्ट है, मिलन स्थल है, वहां पे उस जॉइंट वाले पार्ट पे ज्यादा डाइवर्सिटी दिखती है, तो वो क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से रिच कहा जाएगा कि नहीं। मैंने बताया था उस समय कि आप एक्वेटिक में 10% सॉरी एक्वेटिक में 20 टाइप की स्पीसीज है, टेरेस्ट्रियल में हम देखते हैं 10 प्रकार की स्पीसीज है, जब उनके मिलन स्थल को देखते हैं, दोनों के जॉइंट वाले पार्ट को देखते हैं, तो वहां 50 टाइप की स्पीसीज दिख सकते हैं, क्योंकि वो दोनों के हिसाब से वो ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है, ज्यादा अनुकूलित वातावरण है, जहां पे पानी की उपलब्धता है, नमी की उपलब्धता है, भूमि की उपलब्धता है, तो वहां पे ज्यादा मिलता है। तो ऐसे क्षेत्रों के संरक्षण के लिए सबसे पहले ईरान में क्या है, ईरान की सिटी रामसर में ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था कि इन क्षेत्रों को हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, चिन्हित करना है, ताकि क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो। ठीक है, तो ये जो है भारत में रामसर सिटी साइट्स की संख्या कितनी है, जल्दी बताओ, पिछला सेशन अगर आपने देखा है तो इनके नंबर्स क्या क्या है, 46 है, 42 में 4 ऐड हुए हैं, तो मैंने बताया भी था लास्ट सेशन में कि वो 4 लेटेस्ट वेटलैंड जो ऐड हुए हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने नहीं देखा है पिछली क्लास जाके वॉच कर ले और नोट कर ले। ठीक, ये बात क्लियर हो गई, थोड़ा जल्दी चलते हैं, बहुत स्लो हम चल रहे हैं। बार्सिलोना कन्वेंशन, अगर हम देखते हैं समुद्री पर्यावरण या भूमध्य सागर में जो है प्रदूषण को संरक्षण प्रदान करने के लिए जो कन्वेंशन हुआ था उसे हम क्या कहते हैं, बार्सिलोना सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलरली जो है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी और जो ओशन में का जो एनवायरमेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था। यूनाइटेड नेशन का जो समुद्री कानून संधि है ना, ओशन को लेके जो वहां पे प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे वो 1982 में बनाए गए थे। ठीक है, उसके बाद देखो बोन समिट, प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण प्रबंधन एवं प्राकृतिक निवास का संरक्षण, तो ये भी हमने पिछली क्लास से थोड़ा सा यहाँ पे लिंक हम कर सकते हैं, हमने उसमें पढ़ाया। आपने नाम सुना भरतपुर लाइक बर्ड सेंचुरी, कहाँ पे है बताओ जल्दी, भरतपुर लेक है ना, वो वहां पे क्या होते हैं, जो साइबेरियन पक्षी होते हैं, जो लाइक जब वहां पे विंटर सेशन आता है तो टेम्परेचर बहुत माइनस में चला जाता है और वहां पे एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाने के कारण वो भारत आ जाते हैं हिमालय को पार करते हुए, और उसका फायदा इनको क्या होता है कि यहाँ पे भारत का जो जलवायु है रिलेटिवली गर्म होता है साइबेरियन की तरफ से, साइबेरिया तरफ से, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं एवरी ईयर इस टाइप से प्रवासी पक्षी आते हैं। ठीक है, मतलब दूसरे देशों से माइग्रेट होके पक्षी आते हैं यहाँ पे, और पूरा आप देखेंगे पूरा ग्रीष्म ऋतु यानी कि पूरा समर सीजन यहाँ पे बिताते हैं, और समर सीजन बिताने के बाद यहाँ से जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ है बर्ड लाइक, आपने नाम सुना है छत्तीसगढ़ में भी बर्ड लाइक सेंचुरी जो है, या पक्षियों प्रवासी पक्षियों को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है। जल्दी से भी बताओ अगर कमेंट बॉक्स में अगर आपको याद आ रहा है तो, है ना, बाकी लोग भी देख लेंगे कम से कम, है ना, और जिनको नहीं याद है तो एक बार उसे देखेंगे, वो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद देखो ये जो है नैरोबी सम्मेलन, तो ये हम पढ़ चुके थे, ये वाला हमारा जो है जॉइंट था, हमारा जॉइंट क्या था 10-10 ईयर वाला था, 1972 1982 1992, तो जॉइंट तो मिलते जा रहे हैं। ठीक जॉइंट मिलते जा रहे हैं यहाँ पे, तो इस बात को आपको ध्यान देना है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो वियना कन्वेंशन जो हुआ था, यहाँ पे देखिए 1985 है ओजोन परत संरक्षण के लिए फ्रेमवर्क सम्मेलन। ठीक है, तो ओजोन परत संरक्षण को लेकर भी 3 सम्मेलन है, आप सेपरेट कॉपी में लिख लो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, मिक्स नहीं करना है। सर्वप्रथम ओजोन परत संरक्षण के लिए 3 महत्वपूर्ण सम्मेलन वैश्विक स्तर पर किए जा चुके हैं, है ना, देयर वर 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन फॉर द कंजर्विंग और प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर को लेकर 3 जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था, तो पहला है वियना सम्मेलन, और वियना सम्मेलन में आपको एग्जैक्टली ईयर बता देता हूं, उस ईयर में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, अकॉर्डिंगली मैं सोर्स का यूज कर लेता हूं। यस इट इज करेक्ट, दैट इज 1985 में क्या है वियना कन्वेंशन हुआ था फर्स्ट। ठीक है, दूसरा समिट हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और थर्ड समिट हुआ था क्या है किगाली समझौता, किगाली एग्रीमेंट। तो सेपरेट लिख लिए
क्या है, ओजोन को लेकर तीन सा, ओजोन लेयर को लेकर तीन, कौन सा पहला, वियना 1985, दूसरा क्या लिखे यहां पे, हम लिखे यहां पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और तीसरा हम क्या लिखे, किगाली एग्रीमेंट। ठीक, तो यहां पे ये तीनों को सेपरेट लिख लिए। अब देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आप ये नोट कर लो 1987, इसका पहले वियना का क्या है 1985, तो इसका क्या हो जाएगा 1987। ठीक, दूसरा का क्या हो जाएगा 1987। ठीक, तो ये काफी ज्यादा जो है मैं इसे मिटा देता हूं, थोड़ा आपको क्लियर दिखे। तो हम यहां तक पहुंचे थे कहां, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का 1987। उससे पहले देखो आपको पूछा जाता है कि एजेंडा 21 में हम सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन आपको यह पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किस रिपोर्ट में दिया गया था, ये यूपीएससी का एग्जैक्ट क्वेश्चन है। तो यहां पे इसे नोट कर लीजिए, ब्रंटलैंड रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ब्रंटलैंड रिपोर्ट में सर्वप्रथम सतत विकास की संकल्पना की गई थी। क्लियर हो गया, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ब्रंटलैंड रिपोर्ट और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, को तो तीनों क्लियर ही हो गया, सदा सर्वदा के लिए आपको क्लियर हो जाए होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे वर्ल्ड हेरिटेज समिट जो है, वर्ल्ड हेरिटेज समिट 1988 में समृद्ध पर्यावरण क्षेत्रों को चिन्हांकन के लिए किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज समिट 1988 में। उसके बाद देखो बेसल कन्वेंशन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार करिए आप, जो खतरनाक अपशिष्ट है उसके प्रबंधन के लिए, द हजार्डस वेस्ट जो है ना, हानिकारक जो वेस्ट है, हजार्डस या आप लोग जो डिस्ट्रक्टिव टाइप के जो वेस्ट हैं, उनको रोकने के लिए, उनकी यूसेज को प्रॉपर मैनेज करने के लिए हमने यहां पे क्या है, कौन सा कन्वेंशन किया था, बेसल कन्वेंशन। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है ईयर को देखकर, सबसे पहले आप, मैं जान रहा हूं कि आप ईयर को लेके कर थोड़ा परेशान हो रहे होंगे, तो घबराओ बिल्कुल मत। हमने जो ईयर नोट किया है इससे पहले, जो वो जो लिंकअप टेंटेन ईयर वाला, वो ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो स्टार वाले हैं वो ईयर आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। ठीक है, स्टार वाले को मैं ऑलरेडी बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है। अब बाकी बच्चों को क्या करना है, बाकी के टॉपिक को बस रिलेट करना है। आपको जेनेवा और बेसल दोनों दे दिया गया, दोनों सिमिलर टाइप के दिख रहे हैं। तो जेनेवा में क्या था, हानिकारक गैसों और ऐसे लाइक केमिकल का यूसेज, बायोलॉजिकल वेपन का यूसेज को हमको रोकना था, ये हमारा टारगेट था। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, बेसल कन्वेंशन में हैजार्डस वेस्ट, खतरनाक अपशिष्ट है, जैसे पेंट है या आप देखते हैं कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं, तो वो इन जनरली यूज करते हैं हम वहां पे, वेपन वहां पे क्या है, आप देख रहे हैं एक कंट्री दूसरे कंट्री में यूज करती है, वो वाला आप कन्वेंशन जेनेवा। लेकिन यहाँ पे इन जनरली आप घरों में कई बार कुछ पेंट लगा देते हैं या कुछ ऐसे ही खतरनाक चीजें ले लेते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि अब लाइक टेफ्लॉन कोटिंग कर रहे हैं या फिर क्योटो प्रोटोकॉल जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह यूज कर रहे हैं, तो इन सब चीजें वो वहां पे ओजोन में तो करते हैं, लेकिन जो बचे हुए जितने भी अपशिष्ट है खतरनाक वाले, उनके लिए हम बेसल कन्वेंशन से उसे रेगुलेट करते हैं। ठीक, थोड़ा स्लो हो रहा है, लग रहा है मुझे थोड़ा फास्ट चलना चाहिए। अब ये चीज मैं नहीं बता रहा हूं, अर्थ समिट ऑलरेडी मैंने बता दिया। ठीक है, उसमें जो दस्तावेज है एजेंडा 21 का रिलेशन क्या है, 21 सूत्री यूनाइटेड नेशन एजेंडा है ना, 21 सूत्री यूनाइटेड नेशन एजेंडा था, जो स्थानीय स्तर पर था, राष्ट्रीय स्तर था, वैश्विक स्तर पर था, और वो किसको लेकर था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर था। ठीक, फिर जैव विविधता पर सम्मेलन 1992 हमने क्लियर कर ही लिया था। अच्छा, यहां पे आपको एक चीज नोट करना है कि यूएनसीसीडी का हमको पहला अगर सम्मेलन अगर पूछा जाए तो 1994 टिक करना है, जिसमें सूखा और मरुस्थलों के प्रभाव को कम करना हमारा जो है प्रयास था। उसके बाद देखो वो आ रहा है क्योटो प्रोटोकॉल, इसे स्टार करिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार करिए, क्योटो प्रोटोकॉल का रिलेशन किससे है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले जो है वैश्विक स्तर पर 1997 में क्या किया गया था, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए 1992 में सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन को हम क्या कहते हैं, वहां पे जो नियम बना था या प्रोटोकॉल्स बने हुए थे उसे हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, और इसका संबंध ग्लोबल वार्मिंग से है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
अब इसमें एक एडिशनल पॉइंट नोट कर लो कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर वर्ष 2002 में साइन किया। तो भारत ने हस्ताक्षर कब किया, 2002 में इसमें साइन किया। ये बात सभी क्लियर हो गई। ऐसा ही एक लिस्ट और है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत कुछ इसमें भी आपको फायदा होने वाला है। इस लिस्ट को भी देखिए, तो हमने वो 10-10 ईयर वाला जो बनाया हुआ था वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा होगा, वो दिख रहा होगा। थोड़ा आप उसको अकॉर्डिंगली आप मैनेज करते चलेंगे, बीच बीच में वो आएगा तो आप उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे 1997 जब क्योटो प्रोटोकॉल हो गया तो 1998 में बनाया रोटरडम सम्मेलन, जिसमें की जो पेस्टिसाइड्स है ना या खतरनाक जो दवाई है उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे नियम बनाए गए थे। ठीक, तो ये रोटरडम सम्मेलन हो गया। कार्टाजिना ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, लेकिन उसका टॉपिक हमको डिटेल में नोट करना था। कार्टाजिना दैट इज इनिशिएटिव, वो कहां गया, कहां से इनिशिएटिव हुआ था, सीबीडी से हुआ था, कहां से उत्पत्ति हुई थी, है ना। तो कार्टाजिना प्रोटोकॉल की उत्पत्ति हुई थी सीबीडी से, कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडायवर्सिटी से, जो पृथ्वी सम्मेलन का एक सिस्टर कन्वेंशन है। तो वहां वो कब हुआ था पहली बार, यहाँ पे देख रहे हैं कार्टाजिना प्रोटोकॉल यहाँ पे हुआ है वर्ष 2000 में। और यहाँ पे क्या देखते हैं, इसमें क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का सुरक्षित प्रयोग। ठीक है, जीवों के सीमा पार व्यापार से संबंधित नियम और कानून, ये कहां था, कार्टाजिना प्रोटोकॉल से इसका संबंध है। समझ गए। स्टॉकहोम सम्मेलन एक और है, लेकिन वो 1972 वाला इंपॉर्टेंट है, और स्टॉकहोम सम्मेलन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। अगर यहां पे पीओपी वर्ड है, पीओपी वर्ड है, पीओपी का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस भी होता है, आप जानते हैं जो घरों में पुट्टी में काम आती है। यहां पे पीओपी का मतलब है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ठीक है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट मतलब ये पर्यावरण, ऐसे रसायन जो पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं उनकी, उनको रोकने के लिए भी क्या है, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। लेकिन ये वो स्टॉकहोम सम्मेलन नहीं है जो मानव पर्यावरण वाला, ये दूसरा वाला था, इसको वर्ष 2001 में हुआ था। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, पीओपी वर्ड इन जनरली एग्जाम में आपको दिख ही जाएगा, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। क्लियर हो गया। अब पृथ्वी सम्मेलन 2 को हम ऑलरेडी पढ़ रखे थे तो इसको हम दोबारा कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सतत विकास सम्मेलन, एजेंडा 21 का क्रियान्वयन और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑलरेडी हम नोटेड है। ठीक है, अब नागोया प्रोटोकॉल, तो जैसे यहाँ पे कार्टाजिना विस्तार करो वैसे ये भी इसे विस्तार करो। पृथ्वी सम्मेलन तो इंटायर पूरा ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे विस्तार करने की अलग से कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो नागोया प्रोटोकॉल क्या है, आनुवांशिक स्रोतों के गलत प्रयोग को रोकना, और क्या है नागोया प्रोटोकॉल जो है लाइक क्रियान्वयन निधि, है ना, इसकी स्थापना भी यहाँ पे हुई थी। तो यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है वर्ष 2010 में हुआ था, किससे रिलेटेड था, आनुवांशिक स्रोतों के गलत प्रयोग को रोकने के लिए हुआ था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद देखो आईची लक्ष्य को भी हम देखते हैं, सीबीडी से ही इनिशिएट हुआ था, वर्ष 2010 से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे देखते हैं कि 20 महत्वपूर्ण लक्ष्य जो है प्रत्येक देश को दिए गए थे, जो कुछ ग्लोबल लेवल पे थे कुछ स्थानीय लेवल पर थे। ये बातें सभी को क्लियर हो गई क्या, आगे बढ़े हम। अब देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन 3, ये भी ऑलरेडी नोटेड है, सतत विकास पर आपको बहुत आसान लग रहा होगा, है ना, उसके क्रियान्वयन पर हम बात कर रहे थे, है ना, हालांकि सॉरी उसको आगे बढ़ाने पर काम कर रहे थे, क्रियान्वयन तो सेकंड वाले में है। ठीक है, और उसके बाद देखो गरीबी में कमी, स्वच्छ ऊर्जा पर जो फोकस वगैरह किया गया था ये पृथ्वी सम्मेलन 3 में किया गया था। स्वच्छ ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक, मिनी माता समेट दैट इज द अगेन द स्टार क्वेश्चन, ये मिनी माता समेट इज रिलेटेड विथ, मिनी माता सम्मेलन का संबंध किससे है, मिनी माता सम्मेलन का संबंध किससे है, मरकरी या पारा के उपयोग से संबंधित है। मतलब मरकरी जो है ऐसे भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, तो उसको अगर हम लाइक बेतरतीब यूज करें तो उसे रोकने के लिए क्या किया गया था, पहली बार मिनी माता समिट हुआ था 2013 में, जिसमें कि वो ऐसे उसमें रूल्स रेगुलेशन बनाए गए थे जो पर्यावरण के अनुकूल हो, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हो। तो ये मिनी माता समिट रिलेटेड विद अ मरकरी, डायरेक्ट पूछा जाता है मिनी माता सम्मेलन का संबंध किससे, पारा है, लेड है, आर्सेनिक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ, तो ये आपको पोल्यूशन वाले टॉपिक में भी दिख जाएगा।
पेरिस एग्रीमेंट दैट इज अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी स्टार करो। पेरिस एग्रीमेंट का संबंध किससे है? वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करना। तो तापमान वृद्धि आ रही है मतलब ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग मतलब ये UNFCCC का पार्ट होना चाहिए और है भी, है ना। जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो सम्मेलन है वो क्या है? पेरिस एग्रीमेंट है, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गया। उसके बाद देखो ये किगाली समझौता आ गया। तो किगाली समझौता का किसका पार्ट है? ओजोन का होना चाहिए। हमने जो 3 लिखा था, पहला वियना लिखा था, दूसरा क्या लिखा था, मॉन्ट्रियल की क्योटो, मॉन्ट्रियल, और तीसरा क्या है, किगाली, किगाली एग्रीमेंट। तो ये किसका संबंध किससे है? आपके ओजोन परत से संबंध है। तो किगाली कब हुआ था? वर्ष 2016 में। उसमें क्या है, 197 देशों ने हाइड्रोक्लोरोक्लोरोकार्बन की ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ था। हाइड्रोक्लोरोकार्बन श्रेणी की ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस जो पृथ्वी के टेम्परेचर को है ना थोड़ा सा बढ़ाते हैं, कितना बढ़ाते हैं, एक निश्चित मात्रा में बढ़ाते हैं तो पृथ्वी के लिए फायदेमंद है, लेकिन एक्सेस मात्रा में बढ़ाते हैं तो उससे क्या होती है, वो पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकती है। अगर ग्रीन हाउस गैस ना हो तो क्या होगा बताइए? ग्रीन हाउस ना, गैस ना हो तो क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा और हम सब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं, जैसे सनलाइट पड़ती है पृथ्वी की सतह पर, उससे क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, और उसके बाद क्या है, अपनी जो ऊष्मा है, ताप है, वो क्या है, पृथ्वी के इस क्षोभ मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, वो क्या करती है, यहाँ पे रखती है, और वो पृथ्वी की जो सतही पार्ट वाला क्षेत्र को कुछ गर्म रखती है, जिससे कि यहाँ पे अनुकूल वातावरण मिलता है रहने के लिए, हम सबको एक एक एटमॉस्फेयर मिलता है, ठीक है। इसे हम उधर बाद में देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, किगाली समझौता का ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद देखो मराकेश जो है, ये सब अब क्या है, पेरिस एग्रीमेंट के क्रियान्वयन को प्रतिबद्ध करना, ये सब जो जलवायु वर्ड आ गया, तो ये सब UNFCCC वाले सबमिट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे याद रखो मराकेश में क्या है, पेरिस समझौते का क्रियान्वयन को लेकर प्रतिबद्धता हुई। उसके बाद बोन जो जर्मनी में बोन समिट है, पेरिस एग्रीमेंट की कार्य योजना को पूरा करने पर है, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये क्या है, पर्यावरण सम्मेलन में जब ये UNFCCC का सीरीज देखते हैं तो लेटेस्ट 2-3 देख लीजिएगा, फ्यूचर में कब कहां कहां होने वाला है और एग्जिस्टिंग ईयर में, मतलब अभी हाल के 1-2 वर्षों में कहां कहां हुआ है, तो ये 2-3 फैक्ट आपको नोट करना है, वो सब नोट कर लीजिए यहां पे, ठीक। तो यहां पे देखो 2018 में भी ऐसे हुआ था कि क्या, कि ये जो कैटोवाइस सम्मेलन है UNFCCC का सम्मेलन था। 2019 में देखो यहां पे चिली मैड्रिड सम्मेलन हो रहा है, तो या तो चिली में होगा या मैड्रिड में होगा, मैड्रिड तो स्पेन में है, तो दोनों जगह कैसे हुआ इसे जान लीजिए कि पहले ये सिचुएटेड था, ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पे होना था, चिली में होना था, बट चिली गवर्नमेंट ने इसके 2 सप्ताह पहले ही मना कर दिया कि कुछ ऐसे इशूज है हमारे कंट्री में, तो प्लीज इसे दूसरी जगह ले जाइए। तो चिली का नाम ऑलरेडी प्रमोट किया जा चुका था, तो अब उसके जगह को बस चेंज कर दिया गया मैड्रिड, स्पेन के मैड्रिड सिटी में, इसलिए चिली मैड्रिड सम्मेलन जो है इसका संबंध किससे है पूछा जाए तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, वर्ष 2019 में हुआ था। ग्लासगो, ये एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में दिए होंगे तो पूछा गया है, ग्लासगो सम्मेलन का मतलब या किस कहां हुआ था, तो ग्लासगो क्या है, वर्ष 2021 में इसका सम्मेलन हुआ था, और यहां पे देखते क्या है, UNFCCC का सम्मेलन है, और ये जो सम्मेलन है एक्चुअल में होना चाहिए 2020 में, लेकिन 2020 में आपको पता होगा दिसंबर 2019 के लास्ट में कोविड आया, पहला केस मिला, इसलिए कोविड-19 कहते हैं, ठीक है। लेकिन वर्ष 2020 तो पूरा का पूरा चपेट में आ गया, किसके, कोविड-19 के, तो कोविड कोरोना वायरस के कारण जो है 2020 में कोई सम्मेलन नहीं हुआ। ये देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष होता है UNFCCC क्या प्रतिवर्ष होता है, इसे भी आप नोट कर लीजिए, तो प्रतिवर्ष होता है, तो जो एग्जिस्टिंग ईयर है, जो अपकमिंग ईयर है, जो पास्ट ईयर है, वो इंपॉर्टेंट है। तो 2020 में स्थगित होने के कारण जो है बस 2021 में ग्लासगो में इसे आयोजित किया गया था, ठीक, इसलिए इसे क्या है, ग्लासगो सम्मेलन के बारे में पूछा जाए तो इस बात को ध्यान रखना है। अब देखो ये जो है, ये सब जो होते हैं, उसके बाद अगला कब होने वाला है, UNFCCC का सम्मेलन जो है, एक वर्ड आएगा बार बार, COP, तो COP 26, COP 27,
COP28 इसका मतलब कुछ नहीं है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मतलब वो सभी सदस्य देशों को पार्टीज वर्ड कर दिया गया। तो सदस्य देशों का जो सम्मेलन है तो उसे दूसरा नाम क्या दे गया, पार्टीज का कॉन्फ्रेंस, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो आपको 26-27 अगर आप देख रहे हैं तो जैसे यहां सबसे नीचे देखिए, मिस्र में अगला हमारा होने वाला वर्ष 2022 में, तो वर्ष 2021-22 और 23 का ये आपका UNFCCC का सम्मेलन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे नीचे के तीनों को आप स्टार कर लो, वर्ष 2021-22 और 23। 21 में क्या हुआ था, ग्लासगो। 22 में कहां पे होने वाला है, मिस्र में होने वाला है ना, अफ्रीका महाद्वीप की ओर से होने वाला है, एक्चुअल में वो होस्ट कंट्री है। कब होने वाला है, 7-18 नवंबर 2022 में होने वाला है, अभी के वर्तमान और लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। और उसके बाद देखते हैं UAE में होने वाला है वर्ष 2023 में। तो ये क्या है, बस वो देखते हैं COP28। ग्लासगो क्या था, COP26। COP27 क्या हो जाएगा, COP27 मिस्र। COP28 क्या हो जाएगा, UAE हो जाएगा। सबका सम्मेलन किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। मैंने कहा था थोड़ा लंबा है, आप सभी पेशेंस से इसे वॉच कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बट यहाँ पे अब ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है, ये आपने इसका मैक्सिमम पार्ट तो कवर कर लिया है, मतलब थोड़ा सा पार्ट और बचा है, इसे भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये आपका वो टाइमलाइन जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, स्पेशली मैं आप सभी के लिए इसे बनाया हूं। तो देखो, आपको जब हम समझा रहे हैं कि जो ब्रांचेस है, इस ब्रांचेस को ध्यान देते हुए हमको सभी पर्यावरण सम्मेलन को पढ़ना है, तो ब्रांच में एक ब्रांच ये भी है कि UNFCCC का हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के जितने सम्मेलन हैं, जो ऑलरेडी इस टेबल में हमने भी पढ़ लिया है, ये जितने भी समिट है इसे पढ़ लिए हम, लेकिन इसको इसका टाइमलाइन के हिसाब से इस प्रकार मैंने व्यवस्थित इसलिए कर दिया है ताकि आपको कभी भी कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, और इस लिस्ट को हमेशा आप संभाल के रखिएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, जस्ट विद इन 5 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो कि हम ये बात किसको कवर कर रहे हैं, UNFCCC को कवर कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, UNFCCC, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का जो कॉन्फ्रेंस है उसे हम कवर कर रहे हैं। तो ये जो हम स्टोरी देखते हैं, तो जैसे कि हम 1972 को पढ़ लिए, उसके बाद देखते क्या है, इसके बाद जो है सीधा सीधा चलते हैं 1972 के बाद, जब 1992 में जाते हैं, तो 1992 में जैसे ही जाते हैं तो अर्थ समिट आ जाता है, तो अर्थ समिट यहां पे आ जाता है, और यहां से क्या है, व्यवस्थित तरीके से UNFCCC का सम्मेलन चालू होता है। लेकिन आपको इस बात को ध्यान देना है कि यहां से जो चालू होने वाला जो आपका कॉन्फ्रेंस है, ये देखिएगा, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी वन है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी वन है, इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था, इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो अब यहां से आपको व्यवस्थित तरीके से इसे तो पढ़ना है, इसे समझना है, क्योंकि हमने टेबल कवर कर रखा है तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चंस और पूछे गए हैं जो आपको नोट कराना मुझे जरूरी लगा। तो अगर सिर्फ जलवायु परिवर्तन की बात करें, दिस इज एंटायरली डेडिकेटेड फॉर द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये वो लिस्ट है जिसमें सिर्फ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन शामिल है, बाकी चीजें शामिल नहीं है, बाकी चीजें वो टेबल से आप देखिएगा। ठीक, तो ये वही चीजें, मतलब इसका तो मैक्सिमम 95% पार्ट कॉमन है उस टेबल में। ठीक, लेकिन यहां पे सिर्फ जलवायु को करना है, तो इसलिए इसे मैं इसको टाइमलाइन के हिसाब से किया हूं। तो देखो 1972 जो मानव पर्यावरण सम्मेलन के बाद देखते हैं, बस 1979 में पहली बार वैश्विक जलवायु बैठक हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है दूसरे स्टेट की PSC में कि पहली बार जलवायु परिवर्तन पर बैठक कब हुई, तो यहां पे बैठक हुई थी 1979 में। ठीक है, ये जो पृथ्वी सम्मेलन है ये तो आधिकारिक था ही, बट ये यूनाइटेड नेशन का था। इन जनरली पहली बार कब हुआ था, इन जनरली पहली बार हुआ था प्रथम वैश्विक जलवायु बैठक जो हुआ है ये था 1979 में। ठीक है, IPCC का मतलब, IPCC का गठन कब हुआ था, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसका गठन किस पे हुआ था, इंटरनेशनल मतलब जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय पैनल का सम्मेलन कब हुआ था, का गठन कब हुआ था, 1988 में। ठीक, 1988 में।
आईपीसीसी की पहली रिपोर्ट कब आई? 1990 में, ठीक है, 1990 में इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट आई, और यही वो रिपोर्ट थी जिसे वर्ष 2022 में शामिल किया गया, और इसी के कारण ये जलवायु परिवर्तन एक सिस्टर कन्वेंशन बना। ठीक, तो ये जो है काम यहां से चालू हो गया था। तो आईपीसीसी ने जब सबमिट किया हुआ रिपोर्ट, तो हां ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, तो यहां से वो आपका क्या बना, आपका इंटरनेशनल लेवल पे पहली बार यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क कन्वेंशन बना। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की पहली बैठक कब हुई, अब यहां से ऑफिशियल हो गया, सीओपी की पहली बैठक कब हुई, बर्लिन में हुई। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पहली बैठक, बट आप समझ लो। ठीक, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल कब अंगीकृत किया गया था, 1997 में, ये स्टार ऑलरेडी मैं कराए हूं उसमें। ठीक है, और उसे प्रतिबद्धता सीमा का मतलब यह है कि पहली बार 1997 में ही हुआ, तो वर्ष 2008 से लेके वर्ष 2012 तक, 2008 से लेके 2012 तक, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल्स के जो रूल्स थे उसे हमको क्या है किसी भी हाल में हासिल करना था। तो ये क्या है, वो प्रतिबद्धता सीमा है, हम वहां पे लाइक हम उस टाइम पीरियड तक इसे अचीव करना था। ठीक, उसके बाद 2001 में मराकेश एग्रीमेंट आया, और उसके बाद देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल को क्रियान्वित करने के लिए हमने नियम बनाया है ना, और देखते हैं वर्ष 2005 में हमने देखा कि क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ था, जिसकी प्रतिबद्धता सीमा 2008-2012 थी, उसे हमको प्रभाव में लाना था, उसे एग्जामिन करना था, उसे प्रॉपर जो है एक रेगुलेट करना था, तो हमने बनाया मेंबर ऑफ पार्टीज है ना, मेंबर ऑफ पार्टीज बनाया जो उसे क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा क्या है फोकस कर रही है, इसे लागू ही करना है क्योंकि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। और इस मेंबर ऑफ पार्टीज मतलब, मेंबर ऑफ पार्टीज मतलब वही मेंबर कंट्री, वो क्या है, वो इनकी पहली बैठक होती है 2005 में ही, यहां पे बने और उसी साल उन्होंने बैठक किया, और उन्होंने क्या किया उसके बाद देखा कि यहां पे बाली रोड मैप बनाया। बाली रोड मैप, ये सबका काम क्या है, अल्टीमेटली एक ही काम है, सबका काम अल्टीमेटली क्या है कि जलवायु परिवर्तन पर हमको क्या करना है, फोकस करना है, जलवायु परिवर्तन में जो मतलब जो नुकसान पहुंचा रहे हैं इन चीजों को, फैक्टर्स को हमको रेगुलेट करना है, मैनेज करना है, यानी कि रोकना है। तो यहां पे बाली रोड मैप बनाया गया था वर्ष 2007 में। तो बाली रोड मैप इन विच ईयर इट वॉज ऑर्गेनाइज, इट वॉज इन 2007, कब किस वर्ष हुआ था, 2007 में। उसके बाद वर्ष 2009 में कोपेनहेगन मैंने बताया, ठीक है, और बाली रोड मैप में बाली एक्शन प्लान भी बना था, याद रखिएगा, मतलब बाली सम्मेलन हुआ था है ना, तो बाली सिटी जो है वहां पे कुछ ऐसे नियम बनाए होंगे, और उसे अप्लाई करने के लिए, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए एक्शन प्लान बना होगा, उसी को बाली एक्शन प्लान कहते हैं, कोई बड़ा चीज है नहीं। तो कोपेनहेगन में ये था कि वहां पे देखते हैं कि हम वर्ष 2020 तक $100 बिलियन जो है हम एकत्र करने का है ना, $100 बिलियन हम एकत्र करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और सब काम को, सब पैसे को कहां लगाएंगे, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए लगाएंगे, ये था। और मैंने बताया था कि ये अपनी वास्तविक रिजल्ट को पाने में नाकाम रहा था। ठीक, कौन, कोपेनहेगन। वर्ष 2010 में कानकुन सम्मेलन हुआ था, वो भी जलवायु है। वर्ष 2011 में डरबन सम्मेलन हुआ था, और डरबन सम्मेलन में ये हुआ था कि वर्ष 2020 से हम नई जलवायु व्यवस्था बनाए पर सहमत होंगे, तो ये बना हुआ था डरबन सम्मेलन में। दोहा वार्ता किस वर्ष हुई पूछा जाता है, दोहा वार्ता या क्योटो वार्ता जो है वर्ष 2012 में हुआ था, और 2012 में इसमें ये हुआ था कि हमको ग्रीन हाउस के एमिशन को रोकना है, ठीक है, ये हमारा तय हुआ था। वारसा सम्मेलन 2013 में हुआ था, ठीक है, इसमें पहली बार REDD+ है ना, ये नहीं पूछेगा आपको, ठीक है, बस ये समझ जाओ REDD+ है ना, इसका फुल फॉर्म आप नोट करिएगा, ठीक है, आपका टास्क है ये। REDD+ की पहली बार संकल्पना किस वर्ष की गई थी, तो वारसा सम्मेलन में वर्ष 2013 में की गई थी। लीमा वार्ता, फिर अगेन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। अब देखो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का जो पेरिस एग्रीमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है, तो ये जो है आप देखते हैं पेरिस एग्रीमेंट की जो पहले उसका जो पूरा बैकग्राउंड सेट किया गया था, उससे पहले लीमा वार्ता हुई थी, लीमा डायलॉग हुआ था, ये सब वार्ड वा लीमा पेरिस कानपुर ये सब क्या आ रहा है, सिटी के नाम है, ठीक है। सॉरी।
सॉरी, तो ये बात क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो पेरिस एग्रीमेंट में क्या था, पेरिस एग्रीमेंट का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो औद्योगिकरण के पूर्व के स्तर से वैश्विक तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि नहीं होगी, ये हमने क्या है डिसाइड किया था। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, पेरिस एग्रीमेंट का जो लक्ष्य क्या था, क्लियर हो गया। तो औद्योगिकरण के पूर्व जो है वैश्विक तापमान की में वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होने देना है, ये हमारा क्या है लक्ष्य था पेरिस एग्रीमेंट को लेकर, वर्ष 2015 में हुआ था। उसके बाद देखो मराकेश आया, फिर बोन समिट आया, कैटोवाइस आया, चिली मैड्रिड अभी हमने पढ़ा है ना, जिसको हम स्थगित करके वर्ष 2021 में ले गए ग्लासगो में। और उसके बाद हम देखते हैं वर्ष 2022 में क्या था कि यहां पे सम्मेलन हुआ था, होने वाला है आपका COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 27th मीटिंग। कॉन्फ्रेंस ऑफ वन कहां से स्टार्ट हुआ था, 1995 में। कॉन्फ्रेंस ऑफ 22 जो है, सॉरी 27 है, कहां पे होने वाला है, मिस्र में होने वाला। तो लास्ट के दो COP27 और COP28 ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे भी आप, ऐसे ही टकरा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो COP28 कहां पे होने वाला है, यूनाइटेड अरब अमीरात UAE में होने वाला है, और COP27 मिस्र में होने वाला है। उफ, आप काफी ज्यादा इस चीज को कॉम्प्लिकेटेड टाइप से ले रहे होंगे, तो बिल्कुल मत घबराइए, हम उसे सेगमेंट वाइज हमने पढ़ा, तो सेगमेंट टाइप से इसे पढ़िए। इसको आपको मैंने स्टार करा दिया है, वो स्टार वाले कंटेंट को आप पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इसी आशा के साथ आप सभी चीजें समझे होंगे, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको हम देखते हैं कि ऐसे हमने लिस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन हो, और कहीं भी किसी भी प्रकार की क्वेरी आपके दिमाग में आ रही है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं आंसर कर दूं, ठीक है। और आप सभी इस टॉपिक को बहुत ही एग्रेसिवली और थोड़ा सा डट के पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे डेटा, बहुत सारे ईयर्स हैं, है ना, बट आपको ईयर मैंने वो जो बताया है स्टार वाले, वो ईयर याद रखें, है ना, पृथ्वी सम्मेलन के ईयर याद रखें, और टॉपिक को स्पेशली आप रिवाइज करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।